राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह का समय हो रहा है और आज है शनिवार और आज है परिवर्तनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याएँ भी दूर होती है और धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। तो इसी तरह मैंने सिंपली सुबह की पूजा करी थी और ये शाम का टाइम है फ्रेंड। और अपने ठाकुर जी का मैंने यहाँ थोड़ा बहुत मेकअप किया था, मेकअप करवाया था और यहाँ दूध का भोग लगा दिया है। और एक और आज शनिवार है ना, तो हर शनिवार को मैं बजरंग बली को लड्डू का भोग लगाती हूँ, बूंदी का। तो यहाँ पे लड्डुओं का भोग लगा रखी हूँ, माता का भी भोग लगा रखी हूँ। और यहाँ पे ना कछुआ वाला एक होता है ना, वो उसमें मैंने ना थोड़ा गुलाब के पंखुड़ी सब मैंने उसमें डाल के और मंदिर में रख दिया है। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, नाश्ता पानी सब बच्चे कर ही रहे थे। और देखिए इस टाइम हो रहे हैं 7 बजने को जा रहे हैं, तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सब आलू और गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। और यहाँ इस टाइम ना भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि एकादशी पे ना मैं सिंपली सात्विक मतलब खाना बनाती हूँ। मैं व्रत वगैरह तो रखती नहीं हूँ, लेकिन सात्विक आहार बनाती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ आलू की। तो सिंपली मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, जैसे हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सिंपली बिना लहसुन प्याज वाला मतलब भुजिया बना रही हूँ मैं। और पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि एकादशी वाले के दिन मैं सोचती हूँ थोड़ा मतलब सात्विक आहार ही हो। जब हम व्रत नहीं कर पाती हैं ना, तो मैं सात्विक आहार ही बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बना रखा है। और यहाँ पे मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ, तो आटा मैंने थोड़ा सा ही लिया, क्योंकि दिन की ना रोटी भी बची हुई थी। तो यहाँ पे बस मैंने आटा ले लिया है और इसमें अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन डालने के बाद इसमें हल्का सा थोड़ा सा मैंने घी ऐड कर दिया है और इसको हाथों से ना मसल लूँगी। और ये ना बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती है। इस टाइप की अगर बनाइए ना, तो बहुत बढ़िया मतलब करकरारी से पूड़ियाँ बनती है। और हल्का सा डो लगाऊँगी, मतलब थोड़ा टाइट सा डो लगाऊँगी। तो फटाफट से पहले मैं ना पूड़ियों की आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा भी लगा कर रख दिया है पूड़ियों के लिए। और यहाँ पे ना बीच बीच में मैं ना सब्ज़ी को भी चलाती जा रही हूँ, ताकि ये नीचे से चिपके ना, जले ना। और इसको मैंने कम कर दिया है, थोड़ा अच्छी तरह से पक जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये बन जाएगी। तब तक थोड़ा बहुत सिंक में बर्तन है, जैसे चाय वगैरह बच्चों ने लिया था तो वो सब है, और दूध वगैरह का जैसे डोल वगैरह वो सब है, कांच का बर्तन है। तो मैंने सोचा पहले इनको धो के हटा देती हूँ, क्योंकि ना बर्तन कुछ भी खाओ पियो ना तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, और शाम का टाइम ही था। तो फटाफट से पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना आलू के भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल के और फिर इस कढ़ाई को ही धो के और इसी में पूड़ियाँ तलूँगी। और यहाँ पे ना अपने ठाकुर जी के लिए हमेशा भोग के लिए ना मैं छोटे से लोटियाँ में ना दही जमा कर रखी रहती हूँ। और ठंड सा मौसम होता है ना, जैसे कि बारिश की वजह से ठंड लगता है, तो मैं ज़्यादा दही नहीं जमाती हूँ, मैं सिर्फ भोग के लिए दही जमा देती हूँ, सिर्फ ठाकुर जी के लिए। और दोपहर पर या सुबह भोग लगा देती हूँ, रोटी के साथ दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पे कढ़ाई भी धो के और अच्छे तरह से मैंने पोंछ के बैठा दिया है। और अब मैं पूड़ियाँ तलूँगी और आटा को अब मैं लोई काट लूँगी। और तेल मैंने डाल दिया है, मतलब रिफाइन ऑयल मैंने इसमें डाला है, सूरजमुखी वाला। मैं सोयाबीन का जो रिफाइन आता है वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सूरजमुखी वाला जो होता है ना वो मैं रिफाइन वो वाला यूज कर रही हूँ, तो फॉर्च्यून है वो भी। तो यहाँ पर लोई काट ले रही हूँ, इतने में तब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं लोइयाँ काट के और रख लूँगी और फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँगी। और
और उसके बाद से सबको ना दे दूँगी। और आज एकादशी है तो एकादशी पर मैं अभी भोग नहीं लगाई हूँ, सिर्फ दूध का और ड्राई फ्रूट का ही मैं ठाकुर जी को भोग लगाई हूँ। और कल द्वादशी है तो कल मैं बना के और तब मैं जैसे चावल बनाते हैं द्वादशी के दिन, तो चावल का भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पर पहले फटाफट से मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, और क्योंकि खाने का भी समय हो गया है सबका, तो यहाँ पर बना के और सबकी थाली लगा लगा कर मैं देती जाऊँगी। तो पहले मैं बना लेती हूँ और थाली भी मैं रेडी करना है मुझे अभी। पे मैंने थाली रेडी कर दिया है, आलू के भुजिया, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ और मीठे में जलेबी। जलेबी आई थी तो जलेबी का भी मैंने इसी में रख दिया है, सभी खा लेंगे। और आज है नेक्स्ट डे, आज है संडे और आज है द्वादशी भी, तो सुबह का समय हो रहा है। घर का काम पूरा निपटा लिया है मैंने, और मैं नहा धोकर और फिर मैं मंदिर के पर्दा खोल कर ठाकुर जी को जगा रही हूँ। उसके बाद से सूर्य भगवान को अर्घ देने जाऊँगी, और उसके बाद से अपनी पूजा कम्प्लीट करने के बाद ठाकुर जी के लिए खाना भी बनाना है मुझे। और क्या कहते हैं, कल राधा जी की छठी मनानी है ना, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा बहुत ना मीठा बनाना है। तो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट का थोड़ा सोच रही हूँ मीठा में कुछ बनाने के लिए, क्योंकि कल 12 बजे तक छठी मनाई जाएगी ना राधा जी की। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा बहुत काम थोड़ा बहुत निपटा लूँ, और क्योंकि मुझे आज थोड़ा मार्केट भी जाना है और थोड़ा बहुत ना अपने राधा जी के लिए कुछ सामान भी लाना है। तो जो मैं लाऊँगी ना वो मैं अगले वीडियो में मतलब शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर का जितना भी लोटे का जल था सब मैंने एक मग्गे में रख लिया, और यहाँ सूर्य भगवान को जल अर्पित करने जा रही हूँ। तो पहले जल अर्पित करके आऊँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और आरती वगैरह भी हो चुका है। और आप देखिए, और कल का ही मैंने ड्रेस पहनाया है नहला का, क्योंकि ना छीटा लगा कर फिर मैंने पहना दिया है। और इस टाइम ना देखिए, इस टाइम अभी बजने को जा रहे हैं, मतलब अभी 7:30 ही बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। और आज संडे है ना, तो बच्चों को ना मन था जैसे ब्रेड पकौड़ा खाना, तो मेरे बच्चों को ना जैसे वो होता है ना भुरता अंदर आलू वाला होता है, वो नहीं मैंने बनाया, क्योंकि आलू कम था इसलिए मैंने ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया। ब्रेड को ही मैंने चार भाग करके, मतलब चार पीसेस करके, और उसी को बेसन में लपेट के मैंने बनाया है, और सिंपली, और एक तरफ चाय बैठा रखा है, तो यही थोड़ा बहुत चाय के साथ खा लिया जाएगा। और बस बेसन में बस थोड़ा सा नमक, अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर, यही सब मैंने ऐड किया था। और यह हमारा चाय नाश्ता है, तो हम लोग पहले सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। और मैंने कपड़ा चेंज कर दिया था फ्रेंड, क्योंकि मैं जब ना दिया बातें जैसे कर रही थी ना, तो मेरे सूट पे ना तेल गिर गया था, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। और फिर मैं दोबारा ना किचन में आ गई, और चाय वगैरह करने के बाद, हाथ मुँह कुल्ला करने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मुझे ना कल के लिए ना भोग बनाना है, तो वही मीठे के लिए मैं कुछ भोग बना रही हूँ। तो जन्माष्टमी के और छठी के दिन का ये सब पड़ा हुआ था, मतलब ड्राई फ्रूट सब पड़े हुए थे, तो उसी का मैंने सोचा कि चलो इसी का थोड़ा बहुत ना मावा टाइप का बना लिया जाए प्रसाद। तो यहाँ पर ना गोंद को भी फ्राई कर लिया है घी में, और ड्राई फ्रूट को भी मतलब फ्राई कर लिया। यहाँ पर मूँगफली है, मूँगफली को भी मैंने घी में ना अच्छी तरह से ना मतलब रोस्ट कर लिया है, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और इसको भी मैं निकाल लूँगी। उसके बाद से जितने भी मखाने जो है उसको भी मैं अच्छी तरह से धीमी आँच पर ना अच्छी तरह से इसको ना मतलब भून लूँगी अच्छी तरह से, ये ना जब अच्छे से करकरारे हो जाएंगे ना तब मैं इसको निकालूँगी। और इसी के अंदर ना
चाशनी बनाऊंगी, सोच रही हूँ चाशनी बनाकर और इसको ना डालकर बना लूँ, मीठे के लिए हो जाएगा। और कढ़ी चावल तो होगा ही होगा, कल कढ़ी चावल बनाई जाती है ना, तो कल कढ़ी चावल बनाऊंगी छठी पे। और यहाँ पे रोस्ट कर लिया है और इसको अब मैं निकाल दूँगी। निकालने के बाद ना फिर मैं आधा ना जार में डालकर मतलब पीस लूँगी, थोड़ा बहुत दरदरा टाइप का पीस लूँगी और थोड़ा खड़ा रहने दूँगी। तो ये अभी ना इसमें ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि सील गया है, बरसात के वजह से ना ये सब चीज़ ना जल्दी सील जाती है, चाहे कितने भी से अच्छी तरह से रखो कंटेनर में तो ये सील ही जाती है। तो इसको अच्छी तरह से मैं अभी भून ही रही हूँ, अच्छी तरह से जब भुन जाएगी ना तो फिर मैं इसको निकाल के और आधा आधा कर दूँगी। तो देखिए पानी मैंने डाल दिया चाशनी के लिए, इसमें 2 कटोरी चीनी डाल दिया है और जार में मैंने ना थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट डाल दिया है, जितना भी मैंने मतलब निकाले थे रोस्ट करके। और इसी को ना अच्छी तरह से मैं इसमें डाल के थोड़ा बहुत दरदरा टाइप का पीस लूँगी और इसको निकाल लूँगी। और इसमें कलरफुल डाल दिया है चाशनी में, और इसमें ना मैं थोड़ा बहुत ना हरी इलायची है ना, हरी इलायची की जो बीज होती है वो मैंने इसमें कूट लिया है अच्छी तरह से, 5-6 इलायची मैंने पाउडर बनाया है इलायची का, और इसी के अंदर चाशनी के अंदर डाल दिया जाए कि इसके फ्लेवर ना थोड़ा चेंज हो जाए, इसका स्वाद भी थोड़ा ना बढ़िया सा आता है स्वाद। और इसको मैंने इसी में मिला लिया है, और भूरा नहीं था वरना मैं भूरे का ही बनाती, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बना के मिला दिया है। और ये मैंने खाना मतलब भोग मैंने रेडी कर रखा है ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आज द्वादशी है ना, तो सारा भोग भी मैंने पानी ले लिया है, दही भी लिया है और दाल चावल है, घी है और क्या कहते हैं प्रसाद है जो मैंने बनाया था थोड़ा बहुत मीठे में, और वो मैं भोग लगा दूँगी और पर्दा लगा दूँगी। तो इसी तरह मेरा सिंपली इसी तरह द्वादशी का भी मैंने पूरा कर दिया है, भोग लगा दिया है मैंने। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मेरे को बता भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और कल है राधा जी की छठी और आज भी है, जिनके यहाँ 5 दिन की छठी मनाई जाती है तो वो आज राधा जी की छठी मनाएंगे, और जिनके यहाँ ना 6 दिन की मनाई जाती है बच्चों की छठी तो वो कल मनाएंगे, मतलब 16 तारीख को मनाए जाएंगे। हमारे में मतलब 6 दिन के मतलब होता है एक रिवाज होता है ना, लड़कियों में 5 दिन की मनाई जाती है, लड़कों में 6 दिन की मनाई जाती है, तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हम कल मनाएंगे। कल है 16 सितंबर और कल है राधा जी की छठी। तो एडवांस में आप सभी को राधा जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कैसे करूँगी वो सब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माता दी, राधे राधे।